Hello everybody, in this video we will talk about one of the most pertinent question round the corner, that is who is eligible for JAB or DBF exam. Ab ye question abhi itna zyada prominent kyun ho gaya, because we know that registration for this exam, that is JAB exam, is round the corner and it will begin shortly. So you must know whether you are eligible or not. अब आप eligible हैं या नहीं हैं, कौन से parameters हैं जो IIBF ने वहाँ पे define कर रखे हैं अपने notification में, detail में आज उसे समझेंगे. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है जो जैब एग्जाम कंडक्ट करा रही है. इट इज़ योर IIBF एंड द फुल फॉर्म इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. फाइन, इतना हमें क्लियर होना चाहिए. अब देखो, आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे इनकी, सो देर आर न्यूमरस कोर्सेस, ठीक है. उनमें से जो मेजर कोर्स हैं या फिर जो फ्लैगशिप कोर्स हैं, दे आर ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस. फाइन, एंड देर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो एंड सर्टिफिकेशन आर ऑल्सो देयर, सो यू कैन अटेम्प्ट देम. बट our advice would be, first of all you must focus on your JAB and CAB exam. So flagship courses ke under aata hai aapka JAB exam, or you can say DBF exam and CAIAB also. Fine. Ab dekho, jab bhi hum JAB aur DBF ki baat karte hain, so we tend to use this terminology interchangeably, but yahan pe jo syllabus hai, that is same. Okay, I agree with you ki syllabus bilkul same hai. Then level of difficulty obviously will be same, because एक ही exam होता है, उसी दिन exam होता है. But the major difference here is your eligibility criteria. तो इस video में हम वही समझेंगे कि जो major difference है वो क्या है, so that we would be very clear in our head कि हमें apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए, are we eligible or not. सबसे पहले JIIB का देखते हैं eligibility criteria क्या है. As you know, JIIB is junior associate of IIB and F. आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है, इट इज़ दैट यू मस्ट बी एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. अब ऑर्डिनरी मेंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑर्डिनरी मेंबर सारे के सारे वो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ जिनके एम्प्लॉयर्स IIBF के मेम्बर्स हैं. फाइन, तो एम्प्लॉयर्स कौन से हुए? आपके जो बैंक्स हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, who are the members of IIBF. If you are working in the under that employer or in that bank or in that particular financial institution, you are eligible to give your JAB exam. Fine. Next, the second criteria is that you should have passed 12th or equivalent examination. 12th standard ka exam aapne pass kiya hona chahiye. अब आज के टाइम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 12th की रिक्वायरमेंट यहाँ लिखने की नहीं थी, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे बैंक्स के लिए है या फिर आजकल जॉब्स के लिए है, दैट इज़ मिनिमम ग्रेजुएशन. बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि देर आर मैनी इम्प्लॉयज राइट नाउ वर्किंग इन द बैंक्स हु आर ओनली हु हैव क्वालिफाइड देयर 12th स्टैंडर्ड एंड दे आर वर्किंग इन द बैंक. हाउ? बिकॉज पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था बैंक्स में वर्क करने का, इट वॉज 12th ओनली. फाइन, so that is why IIBF has maintained that criteria, so that जो हमारे staff members हैं उनको कोई issue ना आए. Now this criteria of 12th standard is in applicable to your subordinate staff also. Fine, keep this thing in mind. If you are a subordinate staff watching this video, you can also apply. Along with that, I would say that one special permission is there in case of the clerical staff or the supervisory staff. अब सपोजिंगली यू आर इन क्लेरिकल कैडर एंड आपने जो एग्ज़ाम है वो 12th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम इफ़ यू फॉल इन द क्लेरिकल कैडर और फॉर दैट मैटर सुपरवाइजरी स्टाफ कैडर. हाउ? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजर, जो भी आपके इमीडिएट मैनेजर हैं वो रिकमेंडेशन लेटर जो है आपके हेड ऑफिस भेजेंगे एंड दे विल फाइनली ऑथराइज दैट येस दिस पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एंड हेयर बाय वी आर गिविंग द परमिशन. तो आपने ये कुछ कुछ छोटे छोटे से पैरामीटर्स हैं जो याद रखने इफ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरीज. नेक्स्ट इज़ योर एलिजिबिलिटी फॉर डी बी एंड एफ एग्जाम, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस. अब जितने भी एस्पायरिंग बैंकर्स हैं या फिर आप ये लगा लो दोज पर्सन्स हु वॉन्ट टू वर्क इन बैंक इन नियर फ्यूचर, और जिनको नॉलेज गेन करनी है बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ऑल दोज आर एलिजिबल फॉर योर डी बी एफ एग्जाम, द नॉन मेम्बर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो आई आई बी एफ में ऐसा ही होता है कि जो मेम्बर्स हैं वो कौन से हैं, जो भी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय अगर आप हैं, जो इसके आई आई बी एफ के मेम्बर्स हैं
देन यू कैन अप्लाई एज अ मेंबर. और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में, और राइट नाउ इफ यू आर नॉट वर्किंग इन द बैंक, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई अंडर द नॉन मेंबर कैटेगरी. फाइन. सो बैंक में अगर आप वापस आना चाहते हैं, यू हैव सर्व्ड इन द बैंक, लेफ्ट द बैंक, एंड इन फ्यूचर यू वॉन्ट टू कम इन द बैंक, देन यू कैन अप्लाई यूजिंग द DBF. फाइन. नेक्स्ट इज योर सेम क्राइटेरिया, दैट 12th स्टैंडर्ड में आप जो है पास होने चाहिए. और एक और यहाँ पे क्राइटेरिया है कि अगर एक एग्ज़ाम होता है, कोर्स होता है बेसिकली BCBF का, IIBF ही कंडक्ट कराता है इसे, दैट इज योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स. इट इज़ कंडक्टेड बाय IIBF ओनली. अगर आपने 12th जो है वो अभी पास नहीं करी है एंड यू हैव कम्प्लीटेड दिस BC/BF कोर्स, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई एज ए नॉन मेंबर फॉर योर DBF एग्जाम. नाउ स्पेशल मेंशन आई हैव रिटन हेयर बिकॉज इट इज़ गिवन इन द वेबसाइट ऑफ IIBF ओनली, कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ IIBF कौन से हैं, जो बैंक्स में काम कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव दिस पेपर. फाइन. DBF वो नहीं दे सकते बिकॉज ऑब्वियसली बात है दे कैन अप्लाई JIIB, तो आपने उस कंबरसम प्रोसेस में पढ़ना ही क्यों है कि DBF क्लियर करो उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन पे जाओ. नहीं, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते अकॉर्डिंग टू IIBF, बिकॉज अगर आप एक मेंबर हैं और DBF क्वालिफाई भी कर देते हैं तो आपका रिजल्ट और सर्टिफिकेट इज लाइबल फॉर द कैंसलेशन. सो बेसिक फंडा क्या है, DBF जो है वो नॉन मेंबर्स के लिए है, और जो आपका JIIB है इट इज़ फॉर योर मेंबर्स. फाइन. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ JAB एंड DBF एग्जाम, एंड ओवरऑल नाउ यू आर इन अ सिचुएशन एंड यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन वेदर यू शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जाम और नॉट. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस एट hello@edutab.co.in, एंड डू चेक आउट आर ब्लॉग on this website. Along with that, the courses which we are offering for your JAB exam.